पीड़ा क्या होती है? ये जब आप पीड़ा में होंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। मैं अमित आज आपको लेके आया हूँ एक बार फिर जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, आप तक के पहुँचाने के लिए। मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ stnews.co.in में। आज हम फिर यहाँ बात करेंगे शिक्षा मित्रों के ऊपर। जैसा कि बहुत सारे दिनों, मतलब जो है आपका एक महीना नहीं, दो महीना नहीं, उससे ऊपर भी जो धरना शिक्षा मित्रों का चल रहा था, उसके ऊपर 25 जुलाई के दिन शिक्षा मित्रों ने काला दिवस मनाया और अपना मुंडन कराया। उसके ऊपर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जो भी भावनाएं थी उसको व्यक्त किया। और यहाँ पे अभी हाल ही में एक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राज बब्बर जी का भी ट्वीट आया, तो उसके ऊपर उन्होंने शिक्षा मित्रों की पीड़ा को तस्वीरों के ऊपर क्या वो बयां करें, वो इन शब्दों से भावुक होकर के शिक्षा मित्रों के साथ आ खड़े हुए हैं। तो आइए उनका आपको ट्वीट दिखाते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं महिला की परेशानियों और पीड़ा को कैसे व्यक्त करूं, मुझे नहीं समझ में आता है। जहां मोदी और योगी एक तरफ महिलाओं की हित के लिए बात करते हैं, वहीं ये तस्वीरें साफ करती हैं कि क्या उनकी पीड़ा के साथ में मोदी और योगी सरकार खड़ी हुई है। अपनी मांगों को लेकर के शिक्षा मित्र जो हैं इको गार्डन धरना स्थल पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई भी पीड़ा नहीं समझ सकी, जिसके कारण उन्होंने काला दिवस अपना मुंडन करके मनाया। वहीं सारी पार्टियां अब एकजुट होकर के इस बात पे गौर तो कर रही हैं, कमेटी बना दी गई है। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों की परेशानियों का समाधान करने के लिए कमेटी तो बना दी है, लेकिन कहीं ना कहीं मांगों को लेकर के लोग आते हैं और कमेटियां गठित होती हैं, लेकिन कोई भी निस्तारण मांगों को लेकर के नहीं होता है। जहां एक तरफ शिक्षा मित्र आज भी धरना स्थल पर डटे हुए हैं और अभी तक के कमेटी का, जैसे कि उन्होंने 25 जुलाई को काला दिवस मनाया था, आज 30 तारीख हो गई है, 5 दिन हो गए, क्या वो पीड़ा से जो जूझ रहे हैं उनको कोई भी सरकार समझने की कोशिश कर रही है? जहां एक तरफ देश में जश्न मनाया जा रहा उद्योगपतियों को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी, बेरोजगार इंसान अपनी मांगों को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर के सरकार के सामने रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के तालमेल से सब कुछ बिगड़ जाता है और मांगे वहीं की वहीं रहती हैं, कहीं भी कोई भी निस्तारण नहीं होता है। तो हम आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे, इसीलिए आप देखते रहिए एसटी न्यूज़ हमारे साथ। कैमरे के पीछे अरविंद, मैं अमित आपसे इजाजत चाहता हूँ, धन्यवाद। ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताज़ी खबरें।